और एक कुछ व्यक्ति ऐसे जो दिखाओ में रहते हैं। दिखाओ का अर्थ क्या होता है? दिखावा, ऊपर ऊपर से ऊंचाई ऊंचाई दिखाने से भी आनंद नहीं है और देखने में भी आनंद नहीं, क्योंकि दिखावे देखना नहीं हो रहा, दिखावा ही हो रहा। समय सार में भी यही कहा गया। समय सार ग्रंथ बहुत बड़ा उपकार है और उसके ऊपर कवर चढ़ा रहे, ये खबर नहीं है, इस कवर में समय सार नहीं। ये खबर है ही कहाँ, जो कवर ही दिख रहा है। गेट आउट, गेट आउट कर नहीं कर रहा है वो, गेट आउट क्या दिख रहा है। समय सार में भी वह सामायिक के समय पर भी सामने रख करके सामायिक कर, ऐसा अच्छा है। अब हीरा मोती माणिक आदि आदि अलंकारों से भी उसको सजाते हैं। भगवान भी त्रागी है और इसे यदि सजाएंगे तो सराग ही कहलाएंगे। वीतरागी को भी आप सराग के रूप में देख रहे हो और वो जो वीतरागी आप में राग में भी वीतराग का दर्शन कर रहे हैं। धन्य है उनकी दृष्टि और धन्य है हम भी कि उनकी इस दृष्टि को हमें समझने का अवसर इस समय सार के माध्यम से प्राप्त हुआ। इसीलिए इस पुस्तकाकार समय सार के लिए भी हम बार बार नमस्कार करते हैं। इस निमित्त से वह नैमित्तिक बोध हमें हो रहा है, हमें तीर्थ मिला, तीर्थ के कारण तरने का पार होने का भाव होता है, इसलिए इसको तीर्थ कहा है। आगम को अष्टपावन में तीर्थ कहा है। तीर्यते अनेन आत्मा, यह आत्मा पार हो जाता है जिसके निमित्त से, उसको हम तीर्थ बोलते हैं। नहीं तो वह तीर्थ क्या कुछ भी नहीं, रूप रस गंधात्मक है। ये भेद विज्ञान इस समय सार में दिया है और इस प्रकार देव गुरु शास्त्र के निमित्त से हमें रागादिक से दूर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है।